गुड इवनिंग सर। बस गुड इवनिंग सर। सर नहीं आए। सर वेरी गुड इवनिंग। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। राहुल जी हैं? राहुल जी हैं? राहुल सर है क्या वहां पे? और असाइनमेंट सबको मिला हुआ है? यस सर। असाइनमेंट नहीं मिला है सर। अतुल मयंक को नहीं मिला। अतुल मयंक को? अच्छा ठीक है, मैं असाइनमेंट आपका फिर से उसमें भेज देता हूँ। ग्रुप में ऐड हो गए अतुल? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्लास के जस्ट बाद हम उसको फिर से रिसेंड कर देंगे तो मिल जाएगा, है ना? ठीक है सर। लास्ट डे
आप लोग मॉडस फंक्शन के बारे में कुछ कुछ देख चुके थे, है ना? मॉडस फंक्शन देख चुके थे आप लोग? यस सर। बाकी लोगों का लॉगरिथम हो चुका है ना, लॉगरिथम का क्लास, इसे को लॉगरिथम में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लॉगरिथम में प्रॉब्लम है किसी को? यस सर। प्रॉब्लम है? क्लास ही नहीं हुआ है सर। हाँ सर, क्लास नहीं हुआ हम लोग। क्लास नहीं हुआ आप लोग? लॉगरिथम में सबका क्लास छूटा हुआ है आप लोगों का? सारे लोग का अंकित छूटा हुआ है आपका? विकास सर मैं गया क्लास। अंकित आवाज आ रही है ना? यस सर आ रहा है। ये आपका क्लास छूटा हुआ है क्या लॉग का? नो सर। छूटा हुआ है एक मयंक, अनुराग, कृष्ण। यस सर। तीनों का ना? अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास रखता हूँ। मंडे या ट्यूजडे को मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? यस सर। आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास में रख लूंगा, ठीक है? अच्छा, सेट्स के बारे में आप लोग, यूनियन इंटरसेक्शन आप लोग को पता है सबको, ठीक से? ऑपरेशंस डिफाइंड ओवर सेट्स? नो सर। नहीं, ठीक है। तो आज कुछ हम लोग कॉमन टॉपिक देख लेते हैं जिसमें आप लोग दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है? आप लोग के लिए इस ग्रुप में आप लोगों को लॉगरिथम के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए थे ना पहले, मॉडलस फंक्शन के क्वेश्चंस भी आप लोग कर चुके हैं। मॉडलस में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बाकी लोगों को जो नए तीन है उनके अलावा बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है मॉडलस में?
ऐसा करते हैं कि कुछ लोग का लॉगरिथम छूटा हुआ है ना, तो लॉगरिथम और मॉडल्स के कुछ क्लासेस उनको मुझे देने हैं। तो आज हम आप लोग को थोड़ा सेट्स के बारे में ठीक से बता देते हैं। सेट्स का आप लोग देखे थे कि सबसेट तक हम लोग कुछ देख चुके थे कि सबसेट का आइडिया आप लोग के पास है। सबसेट के बारे में हम लोग सबसेट से स्टार्ट करते हैं और आज सेट वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। तब तक क्या होगा कि आज सेट का हम लोग का जो बेसिक आइडिया होगा वो चीज क्लियर हो जाएगा कि कहां से उसमें यूनियन इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, उसमें कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का यूज कैसे होता है, ये सब चीजों को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ताकि हम लोग फंक्शन के बारे में जब बात करेंगे वो चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। तो सेट्स में सबसे पहले हम फिर से आपको याद दिला दें कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है कि दो कलेक्शन है मेरे पास, अगर एक कलेक्शन में जो भी है वो अगर दूसरे कलेक्शन में है पूरा का पूरा, तो हम लोग पहले वाले को दूसरे का सबसेट बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि ए कोई सेट है, मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, और एक दूसरा सेट हम बी ले लें जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां तक है मान लीजिए। तो ए का जो भी एलिमेंट है वो बी का भी मेंबर है, तो ऐसे कलेक्शन को यहाँ पे ये कलेक्शन को हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको रिलेट करते हैं हम लोग ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा इफ, डेफिनेशन में यहां पे मैथमेटिकल डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि ए बी का सबसेट होगा अगर एक्स कोई एलिमेंट है ए में, ये बतलाता है कि एक्स बी में भी होगा, अगर एक्स ए में होगा तो बी में भी होगा, अगर ये रेस्ट्रिक्शन फॉलो होता है तो ए को बी का सबसेट कहते हैं, ठीक है। अगर ये रेस्ट्रिक्शन फॉलो होगा तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। यहां पे दो पॉइंट्स अराइज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपको समझ में आएगा कि अगर ये केस बनता है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, अगर ऐसा होता है ए सबसेट ऑफ बी अगर कह रहे हैं मतलब क्या है, ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दोनों एक साथ कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होता है जब ए इज इक्वल टू बी होता है, और ये बाई कंडीशनल है, अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं कभी भी दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग को ध्यान देना है कि a is a subset of b and b is a subset of a if and only if a is equals to b। जब भी दो सेट को इक्वल करना रहेगा तो हमेशा ये कंडीशन आप लोग अप्लाई करेंगे a is a subset of b and b is a subset of a। पहला a is a subset of b कहने का क्या मतलब होगा कि a का सारा एलिमेंट b में है, a is a subset of b कहने का क्या मतलब है a का सारा एलिमेंट b में है, और b is a subset of a कहने का मतलब b का भी सारा एलिमेंट a में हो गया, यानी दोनों में सेम एलिमेंट्स हो गया और इसलिए दोनों सेट क्या होगा इक्वल होगा। तो इक्वल यहाँ पे दो सेट को इक्वल करने में हम लोग इस सबसेट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज और निकल के सामने आता है कि प्रत्येक सेट जो है वो अपना सबसेट होता है। ए इज ए सबसेट ऑफ ए, दैट इज every set is a subset to itself। प्रत्येक सेट अपना सबसेट होता है।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नल सेट प्रत्येक सेट अपना सबसेट होगा क्योंकि उसमें सेम एलिमेंट्स है, कि नल सेट जो है इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ठीक से नोट कर लीजिएगा, इसी के बेसिस पे आगे का डिस्कशन बढ़ेगा। सबने नोट कर लिया है, आगे बढ़े। यस सर। देखो एक और वर्ड यूज होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का बोलते हैं अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है, मतलब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए का मेंबर नहीं है, तो हम लोग ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। समझ में आ रही बात? तो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। जैसे अभी जो हम लोग एग्जांपल लिए थे कि ए जो था 1 3 5 7 9 और बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो एक एग्जांपल था जहां ए जो था वो बी का प्रॉपर सबसेट है। इसको अगर हम लोग डेफिनेशन अगर ऐसे करके चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए जो है ये प्रॉपर सबसेट होगा, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ये सिंबल जो है इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल जो है इसको पढ़ते हैं उल्टा ई जो है इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल कहलाता है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, एक वर्ड इस्तेमाल होता है सुपरसेट, ठीक है, तो सुपरसेट क्या होता है, तो अगर ए बी का सबसेट है देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। जैसे कि आप लिखते हैं 2 is less than 3, तो आप लिखते हैं 3 is greater than 2, बिल्कुल वही सेम चीज है। अगर ए बी का सबसेट है देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट ए। रीड एज बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट ए।
यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? नो सर। सुधांशु अंकित, कोई दिक्कत नहीं है? सर पिछले क्लास नहीं बताए थे सर आप? सर पिछले क्लास जो पूछे थे आप नहीं बताए थे? हाँ हाँ जरूर, अभी इधर पढ़ाई करो, वो सब चीजें बताएंगे और जरूर बताएंगे। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। आज कौन सा दिन है मालूम है? गुरु पूर्णिमा है। हाँ सर पता है, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। यहाँ पे देखिए, कोई सेट अगर आपके सामने हम अगर मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं और हम आपसे पूछे कि राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, ए का सारा सबसेट आपको लिखना है। तो क्या होगा इसका आंसर? एट सबसेट्स सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है सर, क्लियर एकदम। और पहले रुका हुआ था? यस सर। ओ यस सर। कॉल आ गया, वो स्ट्रीमिंग किया ना उसके इसके। तो सबसेट सबसेट ए कौन कौन सा है? एक नल सेट हो जाएगा, एक सिंगल एलिमेंट वाला सेट हो जाएगा, ठीक है, फिर दो दो एलिमेंट वाला सेट हो जाएगा और एक पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। तो ये सारा सबसेट हुआ सेट ए का, है ना? सेट ए का सारा सबसेट हुआ ये वाला।
इसका अगर कलेक्शन हम लोग लिख लेते हैं तो एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं पावर सेट ऑफ सिटी। ठीक है, किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? ठीक है, तो पावर सेट किसी सेट का अगर हम लोग देखें तो इसका पूरा कलेक्शन अगर हम लोग लिख देंगे, जो भी सबसेट है उसका कलेक्शन, इसका जितना भी सबसेट्स है उसका अगर आप कलेक्शन लिख देते हैं तो ये कहलाता है इसका पावर सेट। तो ये जो कलेक्शन हुआ दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। कोई भी आप एक सेट ले लिए और उसका जितना भी सबसेट्स है, तो कितना सबसेट्स होता है अगर कोई एक फाइनाइट सेट अगर ले रहे हैं तो उसमें कितना सबसेट्स होगा? अगर मान लीजिए एक सेट है जिसका कार्डिनल नंबर m है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा? 2 to the power m। वेरी गुड, याद है? Yes, sir, याद। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 2 to the power m होता है। क्यों होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत आसान सा चीज है। ठीक है, तो 2 to the power m होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? अगर कार्डिनल नंबर ऑफ ए अगर m है तो कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए कितना होगा? तो इसमें उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितने सबसेट हैं ए के। तो इसका भी आंसर सर म्यूट हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? ये जो सबसेट मैं लिखा हूं वो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो पावर सेट में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितने कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि एक हम सेट ले लें और इसने पूछे कि कितने नंबर ऑफ इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, या हम आपसे ये पूछे कि ए ए ई आई ओ यू है ना एक सेट, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स are there in the power set of A? 32. शाबाश, आंसर इसका जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट of A is equals to 2 to the power 5.
this is equals to 32. पांच डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 to the power 5, 32 है ना. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 to the power 5, दिस इज 32. यहां पे एक टर्म हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट. क्या होता है यूनिवर्सल सेट? यूजुअली हम लोग इस यूनिवर्सल सेट को एक स्पेशल सिंबल यू से ही यूजुअली आमतौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी भी सेट को हम लोग ऐसे यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं. तो इसको हम छोड़ देते हैं. यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कुछ आइडिया है आप लोगों के दिमाग में? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट सर नल सेट भी ना यूनिवर्सल सेट हो सकता है? नल सेट, नल सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है? मे बी. यूनिवर्सल सेट होता क्या है फिर? नल सेट हो सकता है कि नहीं, उसका जवाब मिलेगा. यस. तो ये बताइए सर, यूनिवर्सल सेट में सारा एलिमेंट आ जाता है? यूनिवर्सल सेट में सारा एलिमेंट आ जाता है. कौन कौन सा एलिमेंट आ जाता है? यूनिवर्स राहुल इनफाइनाइट, यही एक आइडिया को थोड़ा ठीक से पहले शुरू में ऐसा ही सोचा गया था कि एक ऐसा सेट सोच हम लोग सोचते हैं जिसमें सारा सेट जिसका पार्ट हो जाए. तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि ऐसा कोई सेट हम लोग सोच सकते हैं कि जिस कोई भी सेट लेंगे उसका पार्ट होगा? ऐसा सेट बना सकते हैं कि नहीं? जितना भी सेट है और होगा वो उसी सेट का पार्ट होगा, ऐसा सेट बना सकते हैं क्या? यस सर. ऐसा कोई सेट बना सकते हैं जिसमें से कोई भी अगर हम लोग सेट कंसीडर करेंगे तो वो उसी का पार्ट होगा, ऐसा पॉसिबल है? यस सर. यहीं पे एक रसल पैराडॉक्स आता है, ठीक है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना. अच्छा ये बताओ, अगर कोई मान लो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि एक सेट ऐसा तुमने बना लिया जो कि सबसे बड़ा है और जिसमें सब सेट आता है, ऐसा अगर पॉसिबल है तो ऐसा मान लिया. दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. कि उल्टा कंट्ररी अगर नहीं पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि पॉसिबल है कि ऐसा कोई सेट पॉसिबल है जिसमें सारा एलिमेंट्स आ रहा है, ठीक है, क्लियर? अगर पॉसिबल है तो ऐसा कोई सेट है. अब हम अगर आपसे बोले कि अगर उसका पावर, उस सेट का पावर सेट ले लीजिए, तो ये पावर सेट तो उसे बड़ा हो जाएगा ना उसका, क्योंकि पावर सेट में क्या क्या चीज होगा? पावर सेट का प्रत्येक एलिमेंट एक सेट होता है. पावर सेट का प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है? एक सेट होता है. अभी हम लोगों ने पावर सेट ऑफ ए देखा था, याद है ना? अगर पावर सेट ऑफ ए अभी देखे थे तो उसमें क्या क्या था? एक नल सेट था. इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या था? एक सेट था. ध्यान दिए थे? है ना? यहां पे 2 3 1 3 1 2 3 इसका कनेक्शन, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है? एक सेट है. तो पावर सेट जो है इसका प्रत्येक एलिमेंट एक सेट है. तो ये बताइए कि अगर ऐसा कोई सेट आपने ए बना लिया जो कि जितने भी सेट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उससे बड़ा है उसका, वो कोई भी सेट कंसीडर करेंगे उसका पार्ट है, ऐसा अगर मानते हैं कि ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे? एक पावर सेट उसका ले लेंगे. ऑब्वियसली कि ये पावर सेट उस सेट में नहीं होगा. होगा क्या? नो सर, नहीं होगा ना.
तो ऐसा कोई सेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो भी सेट बनाएंगे उसका पावर सेट हम बना देंगे, बोलेंगे उससे बड़ा हो गया, अलग हो गया, ये सेट उसमें नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? Yes, तो यूनिवर्सल सेट क्या है? व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? तो किसी भी सेट को एक गिवन रेफरेंस फ्रेम में, मतलब एक टाइम फ्रेम में, वहां पे जहां पे जो जो कलेक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उनसे बड़ा एक सेट अगर कंसिडर कर लेते हैं, या उसमें से कोई भी ऐसा सेट जो कि बाकी सब सेट उसका एक पार्ट हो, मतलब उसका सुपर सेट एक ले लें, तो वो हम लोग यूनिवर्सल सेट उसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कोई भी सेट, जैसे बहुत सारे सेट को, जितने भी सेट हम लोग अगर किसी सेट को यूनिवर्सल सेट एज ए यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर रहे हैं, तो बाकी सब सेट जो होगा उसका सबसेट होगा। जैसे मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट हम लोग यू ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर हम इसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि अभी अब आप जितना भी सेट लीजिएगा एबीसी सब सबसेट होगा किसका? यू का। अगर हम जो भी सब अब लेंगे वो सब किसका सबसेट होगा? समझ में आ रही बात? सी अगर कंसीडर करेंगे ये भी इसका सबसेट होगा। सर ये वाला नहीं समझा। कंसीडर कर लिए 1, 2, 3, 4, बी कंसीडर कर लिए 2, 4, 6, 8। यस सर समझ गया। सी कंसीडर कर लिए 1, 3, 5, 7। तो ये सब जितना भी होगा अब इसी का सबसेट होगा। तो ये हम लोग सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर सकते हैं कहीं भी। तो यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन क्या हुआ? तो इस सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन, ये जितने भी आप सेट्स आप कंसीडर कर रहे हो अभी, उसका कोई भी एक सुपर सेट आप ले लोगे तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां पे लिख लीजिए, द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड और कैन बी टेकन एज ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे तब? द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन कैन बी टेकन एज ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छे से, द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन कैन बी टेकन एज ए यूनिवर्सल सेट। लिख लिए? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका कि हम लोग काफी इस्तेमाल करते हैं, दिस इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जानते हैं? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जानते हैं आप लोग? यस सर। क्या होता है वेन डायग्राम? रीजनिंग में यूज होती है। वही की है सर इसका यूज। हाँ, रीजनिंग में। आप रीजनिंग पढ़े हैं? यस सर। किस चीज के लिए पढ़ते हैं? एनटीएससी के लिए? यस सर। वेरी गुड। तो वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें हम लोग इसका यूज करते हैं सेट्स में। यहाँ पे इसको, इससे हम लोग बहुत सारे चीज को पिक्टोरियली दिखा पाते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि एक यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं, खासकर आमतौर पर रेक्टेंगल से, और जितना भी इसका सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट हो गया, और जितना भी सबसेट हुआ इसका हम लोग एक क्लोज फिगर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये ए सेट हो गया, ये वाला बी सेट हो गया।
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लोज फिगर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका पार्ट जितना भी सेट सभी कंसीडर होगा इसी रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू इसको साथ साथ देखते चलेंगे। ऑपरेशन ओवर सेट्स, तो ऑपरेशन जो है ये कैसा ऑपरेशन है, जैसे हम लोग एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिए, उसमें हम लोग ऑपरेशन करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, है ना, करते हैं ना, जैसे 2 प्लस 3 किए ये एडिशन वाला ऑपरेशन हुआ, 2 माइनस 3 किए तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हुआ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? लेकिन आप देखिएगा अगर हम लोग सेट इंटीजर लेंगे तब तो चल जाएगा काम इस एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले में, लेकिन अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। अगर नेचुरल नंबर के सेट में का एलिमेंट में अगर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे तो उसी सेट का एलिमेंट नहीं मिलता है, नहीं ना मिलता है, ये 2 माइनस 3 किए तो माइनस 1 आया, माइनस 1 नेचुरल नंबर है क्या? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जब हम लोग ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो उसी सेट का एलिमेंट वहां पे उसी कलेक्शन में है कि नहीं है, तो एक ही नेचर का चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑपरेशन ओवर सेट्स में सबसे पहले हम लोग यूनियन ऑपरेशन करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी अगर हम लोग लिख रहे हैं कहीं भी ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब होता है, तो दो सेट लिए और दोनों का कंबाइंड कलेक्शन यानी कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये उन सारे एक्स का कलेक्शन होता है जिसमें से या तो ये जो एक्स है ए का एलिमेंट होगा या फिर बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, या फिर दोनों का, और जब लिख रहे हैं मतलब क्या हो रहा है ये वाला कि दोनों में से किसी एक का एलिमेंट होना जरूरी है, या तो एक एक्स जो है वो ए का एलिमेंट होगा या फिर बी का एलिमेंट होगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो यहां एक एग्जांपल जैसे हम लोग ले लें कि एक सेट ले लिए 1 3 5 7 9 और एक दूसरा सेट ले लिए 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम आपसे बोले कि ए यूनियन बी क्या है तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 किसी एलिमेंट को, मतलब दो कलेक्शंस हैं दोनों को मिला दिए। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे जो दोनों में कॉमन चीज है उसको एक ही बार लिखने से काम चल जाता है हमारा कलेक्शन, तो 1 2 3 4 5 7 9 उसका हो गया और इसमें जो एक्स्ट्रा था 2 4 6 ये हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो ये वाला आपका ए यूनियन बी आ गया। इसको पिक्टोरियली कैसे डिफाइन करेंगे वेन डायग्राम में, यूनियन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये वाला पार्ट देखिए कि इसको अगर हम लोग देखें कि ये पूरा चीज ए यूनियन बी, ए सेट और बी सेट मिला करके ये जो रेड कलर से ऐसे कर दिए दिस इज ए यूनियन बी, सब मिला करके लिख दिए दिस इज ए यूनियन बी। सबको समझ में आया कि ए यूनियन बी क्या होता है? यस और नो? बहुत आसान सा चीज है ना? यस सर। अगर हम आपसे बोले कि यहां इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट्स में कॉमन है सिर्फ वही वाला एलिमेंट्स लिखेंगे, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है
वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि अगर डेफिनेशन अगर हम देखें कि ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लोग डिफाइन करें तो ए इंटरसेक्शन बी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है फोकस करने वाली बात कि ए और बी दोनों सेट है उसका यूनियन भी कैसा चीज आएगा, एक सेट आएगा। यूनियन क्या आएगा, एक सेट आएगा। किसका एलिमेंट का सेट होगा, तो वो उन सारे एलिमेंट्स का सेट होगा जो दोनों में ही, दोनों में से किसी एक में कम से कम होगा। दोनों में हो गया तो अच्छी बात है, दोनों में से कम एक में जरूर होना चाहिए, है ना, तभी उस कलेक्शन में होगा यूनियन में। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहां एंड वर्ड लगाते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में ही होना चाहिए। ये उन सारे एक्स का कलेक्शन है जो बोथ ए और बी दोनों में है। तो एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ कंसीडर करें कि ए सेट है ये वाला और बी सेट ये वाला है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ है क्या, वन है, वन थ्री फाइव, थ्री है, फाइव, ठीक है। तो ऐसे करके ए इंटरसेक्शन बी आया। इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, तो दो सेट्स ऐसे करके दिखा दिए ए और बी, और इनका जो कॉमन एलिमेंट्स है इंटरसेक्शन, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है कॉमन वाला पोर्शन, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रही बात, ए इंटरसेक्शन बी कैसे दिखाए, क्लियर है ये, ए इंटरसेक्शन बी। प्रसून यस सर क्लियर, ठीक है। ये सेकंड था, थर्ड ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अगर a माइनस बी अगर आप करते हैं, a माइनस बी करेंगे तो क्या मतलब होता है a माइनस बी का, ठीक है। तो a माइनस बी का करने का क्या मतलब होता है, तो ये उन सारे x का कलेक्शन होगा जो कि x बिलोंग्स टू a होगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ए सेट में 1, 3, 5, 7, 9 हम लोग लिए थे और बी सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिए थे, तो ए माइनस बी जब आप करेंगे तो ए से बी, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट था उसको ए सेट से हटा देंगे, ए में बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देंगे, तो कौन कौन सा एलिमेंट बचेगा, 3 भी हट जाएगा, 5 भी हट जाएगा, बचेगा आपके पास सिर्फ 7 एंड 9। इसी तरीके से अगर हम आपसे बोले कि बी माइनस ए क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि बी माइनस ए क्या होगा, बी में से एक एलिमेंट को हटाना होगा, बी में से एक एलिमेंट को हटाएंगे तो क्या क्या होगा, 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, ठीक है, तो क्या क्या बचेगा, 2, 4, 6, सबको बातें समझ में आ रही है, 6, 2, 4, ठीक है। इसको a माइनस बी को अगर आपको वेन डायग्राम से दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ये यूनिवर्सल से, और यहां पे a है ये वाला b है, तो a माइनस बी अगर दिखाना है तो a में से b का एलिमेंट हटा दिए, दो कॉमन जो एलिमेंट था उसको हटा दिए, तो ये वाला रीजन दिस इज रिप्रेजेंट a माइनस बी, ये a माइनस बी होगा। बात समझ में आई है, यस सर।
क्लियर है ये? ठीक है अनुराग, ठीक है इरेज कर दें इसको। यस सर। एक और बॉन्ड है हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ऑफ टू सेट्स सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? तो ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग लिखते हैं ए डेल्टा बी, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है दिस इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे? दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to b and x does not belongs to a but x does not belongs to a and b। तो x a में है या फिर b में है लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? दोनों में नहीं होना चाहिए। एक्स ए में है, एक्स ए में होगा या फिर बी में होगा लेकिन दोनों में नहीं होगा। तो दोनों में नहीं होने से क्या होगा, कैसे शो करेंगे इसको? तो ये वाला पार्ट होगा या फिर ये वाला पार्ट होगा, बीच वाला पार्ट नहीं होगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं होगा। ठीक है ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नोट कर लीजिएगा, अभी हम लोग थोड़ा कार्डिनलिटी के ऊपर बात करेंगे सेट के यूनियन ऑपरेशन में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? इरेज कर दें इधर। यस सर। देखो कॉम्प्लीमेंट सर। हाँ बोलिए सर। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सर एक एग्जांपल बताइए ना। देखिए वन थ्री फाइव सेवन नाइन के लिए थे हम लोग, एक और सेट ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ए डेल्टा बी जब आप लीजिएगा तो दिस इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है। तो ए माइनस बी क्या हो गया? ए माइनस बी क्या होता है? ए से बी का एलिमेंट हटा दिए। तो कौन कौन सा एलिमेंट बता? ए माइनस बी ए से बी का एलिमेंट हटा देंगे तो सिर्फ सेवन नाइन। और इसमें क्या बचेगा? टू फोर सिक्स। दोनों का यूनियन क्या आपको दिखेगा? तो जो कॉमन एलिमेंट कौन कौन था? वन थ्री फाइव इसमें नहीं है। बात समझ में आई?
यस सर समझिए। ठीक है इरेज करते हैं इसको। यस सर। ठीक है देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इफेक्ट होगा ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट तो कोई सेट है ठीक है ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और अगर हम इसको बाहर से ये करते ऐसे करते पूरा ये सेट हो गया ए तो ए को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएगा इधर वाला ये कहलाएगा आपको ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो ये यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए होता है। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दिस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट X belongs to U, universal set, and X does not belongs to A. सॉरी मैं अगली बार X U में होगा लेकिन X A में universal set का एलिमेंट है A को छोड़कर के बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे उसका कलेक्शन। जैसे एक यूनिवर्सल सेट हम यहां पे कंसीडर कर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक सेट ए कंसीडर कर ले रहे हैं दिस इज 1 3 5 7 9। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा मतलब कॉम्प्लीमेंट इसका पूरक जो इसको फुलफिल कर दे मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट इसका क्या सेट हम लोग मिनिमम लेंगे जो भी पूरा फुलफिल कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1 3 5 7 9 को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट तो 2 4 6 8 ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ए और उसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसको ए कॉम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके कहीं भी अगर आपके सामने रहेगा कॉम्प्लीमेंट वाला तो ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार से। तो यहां पे देखिए कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो पूरा यूनिवर्सल सेट दे देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये नल सेट होता है दैट इज ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो डिसजॉइंट सेट्स होता है। अगर दो सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। तो यहां पे डिसजॉइंट सेट्स को फिर से हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ऐसे करके डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है ए और बी को डिजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है
नोट कर लिए? यस सर। देखो जब ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं सेट के बीच में तो कुछ प्रॉपर्टी भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो है अलजेब्रा ऑफ सेट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अलजेब्रिक ऑपरेशन जो जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो क्या क्या फुलफिल करता है। तो यूनियन वाले में क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव नॉर्म। है ना, यहां पे इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव नॉर्म फॉलो करता है ना। दूसरा यहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव नॉर्म। इसी में इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है जैसे कोई सेट हम लोग नेचुरल नंबर ले लिए, इसमें अगर हम लोग एडिशन ऑपरेशन करते हैं है ना, तो ऐसा कोई नंबर है आपको बताइए कि x प्लस इसमें कोई ऐसा नंबर है जो यहाँ पे x दे दे नेचुरल नंबर में एडिशन ऑपरेशन करने पे? नो सर। ये कौन सा नंबर होना चाहिए, सेट ऑफ होल नंबर्स में है कि नहीं है? यस सर है, जीरो जीरो है ना। तो यहां पे देखिए आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है यूनियन ऑपरेशन के लिए, कौन सा है? तो ए यूनियन नल सेट अगर करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, आएगा ना? यस यस सर। इसका कोई भी सबसेट के साथ अगर करते हैं तो यहां पे इसका यूनियन में कोई है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी भी सेट के लिए। और इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए यूनिवर्सल सेट, ये यू जो है ये वाला यूनिवर्सल सेट है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा और यूनियन ऑपरेशन के लिए नल सेट होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना? यस सर। यहां पे अगर किसी सेट को उसी के साथ अगर हम लोग उसी के बीच में ऑपरेशन करते हैं तो वो सेम चीज होता है, yes. इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, सेम चीज करने पे ये वाला क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट लॉ। इस वर्ड का आगे आप मीनिंग समझिएगा। ठीक है, नोट कर लिए सर? यस सर। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ,
ये लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका प्रूविंग आप लोग के स्कूल के एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे करते हैं, अगर आप देखिएगा कि यहां पे अगर मान लीजिए फर्स्ट वाले का प्रूफ करना है, हम लोग को फर्स्ट वाले को प्रूफ करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग को सोचना है, दो सेट इक्वल कब होता है, जब दोनों में सेम एलिमेंट होता है। क्लियर है ना? यस सर। जब दोनों में सेम एलिमेंट होता है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर कर रहे हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे let x belongs to a union b, let x belongs to a union b complement, अगर a union b के complement में अगर x है, मतलब अगर आप complement set अगर अभी समझे हैं, तो अगर ये universal set पूरा है rectangle और ये a है, तो a complement कौन हुआ, बाहर वाला। yes sir, rectangle और circle के बीच वाले, ये वाला question है, है ना। अगर yes. हम बोलते हैं कि x यहाँ का एलिमेंट है, तो ऑब्वियस है कि इसमें नहीं होगा, a में नहीं होगा। no, अगर x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब क्या होगा, x does not belongs to a यूनियन b। स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं यार? x अगर यहाँ का एलिमेंट है तो b इसके अंदर नहीं होगा, है ना। x अगर यहाँ है कहीं इस सेट में, तो ए कॉम्प्लीमेंट में है ना, ये इसका एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो एक्स ए का एलिमेंट नहीं है। तो अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है, तो ये ए यूनियन बी में नहीं है। क्लियर है ये? सुधांशु, बी कहाँ है सर? बी, यस सर, यहाँ पे देखो बाबू, हम कॉम्प्लीमेंट समझा रहे हैं, तुमको ए यूनियन बी अगर देखना है तो हमको ए यूनियन बी बनाना पड़ेगा। ए यूनियन बी जब बनाएंगे तो ऐसे करके बनाएंगे, यहां से ये ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, ए यूनियन बी ये वाला चीज हुआ। और कॉम्प्लीमेंट में हम बोल रहे हैं, मतलब हम इसके बाहर का चीज को कंसिडर कर रहे हैं, इधर का, समझ में आएगा? यस सर। यानी एक्स इधर का है, ये वाला आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ, बाहर वाला ब्लैक वाला रीजन, है ना? यस सर, समझ गए। तो अगर x a यूनियन b में तब नहीं है, और यानी कि x अगर a यूनियन b में नहीं है, मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, दोनों में ही नहीं होगा, दोनों में ही नहीं होगा ना, क्योंकि यूनियन में अगर नहीं है तो दोनों में से किसी एक में होने से यूनियन में होता, लेकिन दोनों के यूनियन में नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो देखिए, यूनियन के लिए और लिखते हैं, लेकिन यहाँ एंड लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्योंकि दोनों में ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में क्या होता है, और का एंड हो जाता है, एंड का और हो जाता है, ठीक है। तो ये निगेशन जब होता है ना, तो ये और का एंड में कन्वर्ट कर देता है। तो बिल्कुल समझने में आसानी होगा आपको, एक्स अगर ए यूनियन बी में नहीं है, दोनों के कॉम्बिनेशन में नहीं है, दोनों के ग्रुपिंग में नहीं है, तो x ना तो a में है ना ही b में है, तो x does not belongs to a and x does not belongs to b, समझते हुए लिखिएगा, क्योंकि यही पर गलतियां होती हैं इसके प्रूविंग में, ठीक है। x ना तो a में है ना ही b में है, अगर x a में नहीं है, तो x अगर a में नहीं है, तो इसके a के कॉम्प्लीमेंट में होगा, this implies x belongs to a complement and x belongs to b complement,
ये एक ए के कॉम्प्लीमेंट में साथ ही साथ बी के कॉम्प्लीमेंट में है, तो एंड जब लगा हुआ है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉमन एलिमेंट, एक्स बी का भी कॉम्प्लीमेंट में होगा और एक्स का भी ए का भी कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का कॉमन एलिमेंट में होगा, है ना, इंटरसेक्शन में होगा। यहां समझने में दिक्कत है तो बताइएगा। नो सर। अब देखिए एक्स कैसा एलिमेंट था, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था, तो सिंस एक्स इज टेकन आर्बिट्ररीली, सिंस एक्स इज टेकन दिस इंप्लाइज इसका सारा एलिमेंट, यानी कि इस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सारा एलिमेंट इसमें है, अगर इस सेट का सारा एलिमेंट, क्योंकि एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, यानी इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है, अगर इस सेट का सारा एलिमेंट अगर इसमें है तो ये वाला सेट इसका सबसेट हुआ, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये आधा पार्ट किया हुआ, मतलब इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है, दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में दिखाएंगे, फिर दूसरे का सारा एलिमेंट पहले में दिखाएंगे, नोट कर लिए सर ये? यस सर। देखिए अब उल्टा काम करना है आपको, ये प्रूफ में ही लिख रहे हैं हम लोग, अगेन इस बार y मान लेते हैं इसका एलिमेंट है कोई, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो y अगर इसके इंटरसेक्शन में है तो मतलब a कॉम्प्लीमेंट में भी है साथ साथ b कॉम्प्लीमेंट में भी है, दिस इंप्लाइज y belongs to a complement and y belongs to b complement, अगर y a complement intersection b complement में है तो y a complement में भी होगा साथ साथ y b complement में भी होगा, है ना? Yes sir। अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं कि अगर a के complement में है तो y does not belongs to a and y does not belongs to b, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट में, this implies y does not belongs to a union b, दोनों में ही नहीं है तो उसके यूनियन में नहीं होगा, और अगर यूनियन में नहीं है तो y belongs to a union b के कॉम्प्लीमेंट में होगा, yes। ठीक है, और y चूंकि आर्बिट्ररी एलिमेंट हम लोग लिए हैं किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, सिंस y इज टेकन आर्बिट्ररीली, ठीक है, दिस इंप्लाइज इसका सारा एलिमेंट इसमें है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ A intersection A union B complement। एक मिनट गलती में, A intersection A complement intersection B complement जो होगा वो सबसेट होगा A union B का complement का, और यहां से 1 और 2 से पहला सेट का सारा एलिमेंट इसमें है और दूसरे वाले में, दूसरे वाले का सारा एलिमेंट पहले वाले में है, तो क्या होगा, दोनों सेट इक्वल होगा, फ्रॉम वन एंड टू हम लोग को जो चाहिए था वो प्रूफ हो गया, प्रूविंग का ये तरीका हम लोग को फॉलो करना है, और सेकंड वाला आप लोग के लिए होमवर्क है, सेकंड वाला
यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम वन एंड टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सेकंड वाला आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको बना करके मुझे आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे. यस सर. ठीक है, ओके सर. ठीक है, अब थोड़ा हम लोग कार्डिनल नंबर के ऊपर में आ जाते हैं कि किसी सेट का कार्डिनल नंबर का रिलेशन क्या है. ये इसका जरूरत पड़ता है, ये सेट थ्योरेटिक पार्ट का ये पूरे का जरूरत आपको बने जरूरत पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में. प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उस स्कोरिंग भी है, वो आपको सेट का आइडिया क्लियर रहना चाहिए. तो सेट वाले में क्या करेंगे आप लोग, प्रैक्टिस कर लेंगे. जो आपके पास हम सेट का बुकलेट दे रहे हैं असाइनमेंट में, उसको आप कोशिश कीजिएगा कंप्लीट करने का. साथ ही साथ एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उसको जरूर बना लीजिएगा एक बार, तो आपको बेसिक आइडिया जो सेट का जितना जरूरत है वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? यस नो? ठीक है, यस सर. इरेज करते हैं हम इसको, नोट कर लिए ना? यस सर. अतुल? यस सर. चलिए देखिए, पहला कार्डिनल नंबर का कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा. तो ये होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये कहलाता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे बोले 1 से 100 के बीच में या 1 से 1000 तक ऐसा कितना नंबर है जो या तो 3 से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल है. क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन हम यहां पे लिख रहे हैं. How many numbers between 1 to 1000? Between लिखे, ध्यान रखिएगा 1 to 1000, which numbers between 1000 are there which is either divisible by 3 or 5. How many numbers between 1 to 1000 are there which is either divisible by 3 or 5? जब between word इस्तेमाल करते हैं तो end वाला use होगा numbers की नहीं होगा? No, sir. नहीं होगा, नहीं होगा. ये चीज सर ध्यान रखिएगा. चलिए बनाए. फाइव हंड्रेड थर्टी थ्री कैसे प्रश्न बनाए बताइए. नो सर, 532. कैसे बना प्रजुन सर? 5 से डिविजिबल होगा 200 नंबर में से एक नंबर घट जाएगा 199 नंबर. और 3 से 333
थ्री से 333 नंबर दोनों को जोड़ दिए। यस सर। तो 5-1000 तक में कितना नंबर होगा? 199 है ना, 5 से डेसिमल नंबर। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 999 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है ना, उसका इंटीग्रल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, ये इंटीग्रल पार्ट को बताता है। किसको बताता है? इंटीग्रल पार्ट को बताता है। कहाँ चले गए थे अनुराग? सर फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी लो था। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इंटीग्रल पार्ट बताता है इसका डिवीजन का, है ना, 199। अगर 999 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 333। दोनों को जोड़ दिए आप, है ना? यस सर। तो 532। अब क्या हुआ कि आपने ऐसा काम तो किया, यहाँ देखिए क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहां तक लेते हैं, 21, 22 ऐसे करके जाएगा, और लास्ट में ये वाला यहाँ पे 999 तक जाएगा, है ना। यहाँ से 1 से 1 हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है कि 3, 6, 9, 12, 15 ऐसा करके काउंट करते चला जाएगा, 21 ये वाला काउंट कीजिएगा। यस सर। अब 5 वाला जब काउंट कर रहे हैं तो 5, 10, 15 दो बार काउंट हो रहा है। 3 वाले में भी काउंट कर लिए, इसमें भी काउंट कर लिए, है ना? Yes, sir. Yes, 45 में काउंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो कितनी बार आपने 3 और 5 को दोबारा काउंट किया तो 25 जो है इन दोनों 5 और 3 का एलसीएम 15 वाला का टेबल में, 15 का टेबल में कौन कौन आएगा? एक 15 आएगा, ठीक है, फिर 30 आएगा, उसमें भी 5 से डिविजिबल होगा, 30 आएगा ना। यस सर। तो 5 और 3 दोनों बार दो दो बार काउंट होगा, तो 15 के टेबल में ये वाला जो आ रहा है ये दो दो बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये 66 आया, 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 15, 6, 90, फिर यहाँ 99, 15, 6, 90, तो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा 66। ये आपने दो बार काउंट किया, यहाँ पे इसका वैल्यू तो 532, लेकिन ये दो बार काउंट किया, इतना एक्स्ट्रा काउंट कर दिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी फिर से 6 आएगा, ये आंसर जो होगा वो आपका 466 होगा। प्रश्न आया समझ में बात? प्रश्न अतुल? यस सर। ये समझ में आया राहुल? प्रधानशु? यस सर। यस सर समझ में आया। प्रश्न? यस सर। यस सर आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि अगर कोई कलेक्शन लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, हम इरेज करते हैं ना। यस सर। यस सर। पूछना था, पूछना है। देखो थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं इसका एक एग्जांपल से पहले। जैसे अभी हम लोग ले रहे थे एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 और दूसरा एग्जांपल
1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर दोनों का कार्डिनल नंबर हम आपसे पूछे यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो गया 5 कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो गया 6 कार्डिनल नंबर ऑफ ए 5 कार्डिनल नंबर ऑफ बी 6 है ना तो अगर आपसे हम बोले कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी पहले लिख लेते हैं ए यूनियन बी में क्या क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 है ना इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 8 कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो हुआ दिस इज 8 अच्छा ए इंटरसेक्शन बी अगर हम आपसे पूछें कि कितना है इसका कार्डिनल नंबर कितना है इसका कार्डिनल नंबर ठीक है थोड़ा वेन डायग्राम देखिएगा यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 यहाँ पे हो गया और 1, 3, 5, 2, 4, 6 यहाँ हो गया ठीक है काउंटिंग का चीज जितना आप सिंपल सोचेंगे उतना काउंटिंग आगे के लिए उतना आसान होगा हम लोग स्पेशल यहाँ पे चैप्टर भी है आप लोगों को 11 में पढ़ना परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों ने अगर ओलंपियाड और एनटीएससी के लिए अगर तैयारी की होगी तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा है ना यस सर तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं हमसे पूछा गया कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी तो ए का कार्डिनल नंबर अगर आपको मालूम है कार्डिनल नंबर ऑफ बी मालूम है तो आप सिंपली अगर ऐड कीजिएगा तो 5 + 6 दिस इज इक्वल टू आपको क्या दिखेगा 11 लेकिन इसमें कार्डिनल नंबर कितना है 8 है ना इसमें 5 एलिमेंट्स था ए सेट में बी में 6 एलिमेंट्स है टोटल मिलाकर के 11 आपको दिख रहा है 11 है ना लेकिन वो क्या रहा है कि आपने ए को भी काउंट कर लिया बी को भी काउंट कर लिया जैसा कि अभी वाले केस में क्या था 3 से डिविजिबल नंबर को भी काउंट कर लिया 5 से भी डिविजिबल नंबर काउंट कर लिया लेकिन दोनों से जो डिविजिबल नंबर था उसको दो बार काउंट हो जा रहा है वो 3 से भी काउंट हो जा रहा है और 5 से भी काउंट हो जा रहा है तो ये वाला जो दोनों का कॉमन है इसको दो बार आपने काउंट कर लिया आपको काउंट एक ही बार करना था अगर इसमें ए में काउंट कर लिया तो इसमें काउंट नहीं करना था तो इसमें एक्स्ट्रा कितना काउंट कर लिए जो कॉमन एलिमेंट था उसको दोबारा काउंट कर लिया तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार काउंट करना है तो हम लोग उसमें से एक बार माइनस कर देंगे ये 3 एलिमेंट माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आंसर आ जाएगा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा अभी क्या लिखा हुआ है क्या सेंस है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर ए यूनियन बी यानी ए और बी दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं ये अगर आपको देखना है ना ए और बी दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं ये अगर देखना है तो ए का नंबर ऑफ एलिमेंट देख लिए बी का नंबर ऑफ एलिमेंट देख लिए और फिर उसमें से माइनस कर दिए कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ये आपको दोनों में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोनों के यूनियन में ये आपको पता चल जाएगा यस और नो ठीक है क्लियर है ये बोलो भाई यस सर यस सर यस सर कोई दिक्कत नहीं है अब देखो यहाँ पे इसका कॉर्नरी अब इस सब चीज को हम लोग बार बार ऐसे नहीं करेंगे थोड़ा इसको और ध्यान से देख लेते हैं कि ये वाला पॉइंट में इसका कॉर्नरी कि अगर
ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट हो जाता, दैट इज ए एंड बी आर डिजॉइंट सेट, ए एंड बी आर डिजॉइंट सेट, है ना, ये अगर डिजॉइंट सेट है, ये अगर डिजॉइंट सेट है तब क्या होगा, ए और बी अगर डिजॉइंट सेट है तब क्या होगा, ठीक है, तो ए और बी अगर डिजॉइंट सेट है तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी, है ना, अगर डिजॉइंट सेट रहेगा तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये तब होगा जब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो नल सेट, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बात समझ में आ रही है, यस ठीक है, टोटल ये सब ना, यस सर देखो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दिस इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी minus cardinal number of B intersection C minus cardinal number of A intersection C plus cardinal number of A intersection B intersection C, इस चीज को समझना है, बहुत important है, इसके ऊपर बहुत सारा questions आपको priority में ही मिलेगा, पहले हम लोग के सर में इसके ऊपर directly एक question रहता था root के examination इस formula में, अब आप लोग के लिए काफी आसान सा चीज है, ध्यान से देखिए, अभी हम यूनिवर्सल सेट नहीं बना के डायरेक्टली इस चीज को आपको विजुलाइज करवाते हैं कि क्या है, तो हम लोग को क्या देखना है, ए है बी है सी है, ठीक है, अगर यहां पे एक एग्जांपल ले लिया जाए, हम लोग क्या करते हैं एलिमेंट्स यहां पे लिख देते हैं वन या ए बी सी डी करके लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, L M N O P Q, है ना, तो अब सबसे पहले अगर हम आपसे बोले कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बताइए A B C D E F G H I, ठीक है, ए सेट का एलिमेंट मिल गया, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डी ई एफ जी जे के एल एम एल एम जे के जे के होगा ना, यस सर, सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, एफ जी एच आई N O P Q J K N O P Q J K, कार्डिनल नंबर ऑफ ए अगर हम आपसे पूछे कि कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है,
आप अगर सबको ऐड करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर आप देखिएगा, अगर हम सबका यूनियन बनाते हैं तो होगा क्या कि आप ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए कर लिए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सी, ऐसे कर लिए। आप बोले कि इसमें से कॉमन एलिमेंट ये वाला कितनी बार काउंट हुआ, ए में भी काउंट हुआ, बी में भी काउंट हुआ, दोनों को माइनस कर दिए इंटरसेक्शन में, कर लिया ना? यस सर। तो एक ही बार काउंट करना है। अब बी और सी वाला जो कॉमन एलिमेंट था तो इसमें भी और इसमें भी काउंट हुआ, तो आपने क्या किया, बी माइनस सी भी माइनस कर लिया इसमें से, ठीक है। और ये वाला भी ए में भी काउंट हुआ, सी में भी काउंट हुआ, तो आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन सी भी कर दिया, है ना, दो बार काउंट किया था। लेकिन हुआ क्या कि जो तीनों में कॉमन एलिमेंट है वो आपने तीन बार यहां पे भी लिया, यहां पे भी लिया, यहां पे भी लिया, काउंट किया ना यहां पे तीनों को, ए में भी है वो, बी में भी है वो, सी में भी है कि नहीं, एफ जी यहां भी है, एफ जी यहां भी है, एफ जी यहां भी, तो तीनों में काउंट किया और तीनों में माइनस किया है, तीनों के इंटरसेक्शन में, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ माइनस, तो तीन बार माइनस भी कर दिया, मतलब इसको काउंट किया गया, जो तीनों का कॉमन एलिमेंट था उसको काउंट किया गया? नो सर, काउंट नहीं किया। तो काउंट करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग उसका जो कॉमन एलिमेंट था तीनों को एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा। यस सर। काम खत्म हो गया? यस सर। रिलेशन समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और जब भी आपके पास डायग्राम होगा, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो जब भी क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे विन डायग्राम के थ्रू। अगर ये पेयर वाइज डिसजॉइंट अगर रहेगा, अगर ये पेयर वाइज डिसजॉइंट रहेगा तब क्या होगा, मिटा दें हम इसको? यस सर। इसका कॉर्नरी लिख लीजिएगा, सेकेंड का कॉर्नरी, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू नल सेट, सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू नल सेट। पेयर वाइज डिसजॉइंट है, देन cardinal number of A union B union C is equals to cardinal number of A plus cardinal number of B plus cardinal number of C। अगर तीनों में कोई भी element common नहीं रहा, है ना? Yes sir। तो directly तीनों में जितना number of element है उसका sum कर लीजिएगा तो आपको union वाले numbers मिल जाएंगे, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या हम बोल रहे हैं। ए माइनस बी का कार्डिनल नंबर अगर आपको बोले तो क्या होगा, ये ए सेट है, ये वाला बी सेट है, तो ए माइनस बी में क्या होगा, ये वाला चीज, ये एलिमेंट्स। यस सर। तो ये वाला सिंपली कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसको माइनस कर सकते हैं। यस सर। बहुत आसानी से ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जैसे ए सेट है 1 3 5 7 9 और बी सेट ले लिए 1 2 3 4 5 6, तो ए माइनस बी कितना है, ए माइनस बी दिस इज 7 9, है ना? यस सर। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ, 2 2। यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, 5, और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उसमें कितना नंबर ऑफ, यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा हुआ पहले, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 1 3 5 1 3 5। यस सर। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3 3। हम क्या किए,
कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से जो कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको माइनस कर दिए तो आपके पास ए माइनस बी मिल गया। यस सर। ए इंटरसेक्ट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा वही ना हटेगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू 2। वेरीफाइड हो गया, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कीजिएगा, सब का यूज आप डायरेक्टली कर पाएंगे। ठीक है, एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी माइनस सी, इसका क्या सेंस है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी माइनस सी, इसका क्या सेंस है? तीन सेट है। इसका बताएं फॉर्मूला। हाँ बोलिए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी। गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। हाँ। देखो क्या है, तुमको ए का ही ना सिर्फ चलिए बाबू। यस। ए बी सी, इसमें तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी माइनस सी सिर्फ मतलब कौन वाला रीजन, ये वाला चाहिए। समझ में आई बात? तो क्या yes. करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए में से कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे और फिर कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटर यहाँ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला देखिए दो बार माइनस हो जा रहा है, तीनों का जो कॉमन रीजन है, इसमें भी माइनस हो जाएगा और इसमें भी माइनस हो जाएगा, ये वाला उसको एड उसको एक बार एड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइनस हो गया ना, ये फॉर्मूला इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। विजुलाइज हुआ है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। यस। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, सर ओवर कर दीजिए, नेट खत्म होने वाला है। नो सर, क्वेश्चन बोलिए। अच्छा एक क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। अगर कार्डिनल नंबर ऑफ ए अगर 5 है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी अगर 6 है, कार्डिनल नंबर ऑफ सी अगर 3 है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 2 है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अगर 1 है या इसको 3 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी ये भी अगर 2 है और कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर 1 है, तो आप बताइए कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें सर ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना एलिमेंट्स है? यस सर। फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी, फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सर 7 गलत हो गया बाबू,
अरे यहीं पे तो देखो ना, यहाँ पे तो ये हो गए 5 + 6 + 3 - 2 - 2 - 2 तो 6 कैंसिल 8 और ये वाला प्लस वाला 1 9 9 आंसर सर 9 बहुत बढ़िया प्रश्न थोड़ा हड़बड़ी कम तुरंत से बन जाएगा बाबू तुमसे कोई बड़ा चीज नहीं है ना यस सर तो अनुराग प्रश्न और अतुल है ना यस सर ये तुम लोग को हम एक्स्ट्रा क्लास के लिए देते हैं तुम लोग को ये मंडे या ट्यूसडे के दिन हम लोगों को कॉल करवा देंगे या ग्रुप में डाल देंगे ठीक है और जिनका अगर लॉगरिथम छूटा हुआ है आप लोग में से किसी का भी तो आप लोग लॉगरिथम का क्लास कर सकते हैं तो मॉडल्स और लॉगरिथम का इक्वेशन का क्लास आप लोग को हम एक्स्ट्रा करवा देंगे ठीक है आप लोग इधर क्या करेंगे कि आज डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ एक बार आप लोग खुद से कर लेंगे और कहीं डाउट होगा तो हमको मैसेज जरूर करें और उसका सेकंड वाला का प्रूफ आप लोग को बना करके मुझे सेंड करना ठीक है इसके बाद वर्ड वाला जो प्रॉब्लम है आपके एक्सरसाइज में सेट्स वाला वो आप लोग कंप्लीट करेंगे सेट वाला जो है असाइनमेंट अभी हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं आपको रिसेंड कर दे रहे हैं अतुल आपको मिल जाएगा है ना ग्रुप में ठीक है आप लोग एफर्ट लगाएंगे थोड़ा सा कट गया हाँ बोलिए बोलिए कोडिंग भेज दीजिएगा सर कट गया था बीच क्या चीज भेज देंगे रिकॉर्डिंग अच्छा ठीक और सर ओटीपी क्या रहेगा क्या बोल रहे हैं प्रश्न ओटीपी सर हाँ ओटीपी हम भेजते हैं अभी ग्रुप में डाल देते हैं ठीक है ठीक सर ओके बाय थैंक यू सर गुड नाइट वेलकम गुड नाइट थैंक यू सर गुड नाइट